वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। इज़राइल की जानिब से यह बताया जा रहा है मुशावरत के तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़ैका अशरफ की हतमी मंजूरी भी हो चुकी है। एशिया कप वाले स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। तो वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। मुशावरत के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। उसामा गौरी ने हमें ज्वाइन किया है। उसामा बताएगा क्या डिटेल्स हैं, कल ये ऐलान होने जा रहा है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। इस हवाले से तमाम तर मुशावरत के मराहिल मुकम्मल हो गए हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़ैका अशरफ की हतमी मंजूरी भी हो चुकी है, जबकि एशिया कप वाले स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। इसी हवाले से चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से भी मुशावरती अमल मुकम्मल किया है। एशिया कप में कौमी टीम के स्पिनर्स की नाकस कारकर्दगी तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए दर्द सन बन गई। चीफ सेलेक्टर ने मिडल ऑर्डर बैटिंग मजबूत बनाने के लिए साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद के नाम पर भी गौर शुरू कर दिया है, जबकि सरफराज अहमद की फॉर्म और फिटनेस का जायजा लिया जा रहा है। नसीम शाह की जगह जो इंजर्ड हो चुके हैं वो वर्ल्ड कप से बाहर, ज़राए के मुताबिक वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह जमान खान या हसन अली की टीम में शमूलियत पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि उसका ऐलान अब स्क्वाड के साथ ही होगा। जबकि स्पिन के शोबे में इब्रार अहमद और दीगर स्पिनर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में हालिया कारकर्दगी का जायजा भी लिया जा रहा है। और इसी हवाले से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज में फखर जमान के इन या आउट होने के हतमी फैसले पर भी मुशावरत जारी है, क्योंकि पिछली कई सीरीज में फखर जमान की जो फॉर्म है उस पर भी शकूक व शुबहात हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी फैसले का इम्कान है। और इंजमामुल हक हैं वो कल 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करेंगे। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक तमाम तर जो मुशावरती अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है और कल 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। उसामा बहुत शुक्रिया आपका।